बात तो आप दोनों की ही सत्य है, क्योंकि आपने केवल घर का ही मूल्य चुकाया था, इसलिए इस धन पर आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने घर का पूर्ण मूल्य ले लिया है, इसलिए इस घर से निकली हुई किसी भी वस्तु पर आपका भी अधिकार नहीं है। सचमुच ये तो धर्म संकट की स्थिति है महाराज, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं ना, हमें इस धर्म संकट से बाहर निकालिए। जी, और यदि ये संभव नहीं है महाराज, तो इस धन को राजकोष में रख लीजिए, ताकि मैं इस धन से मुक्त हूँ और अपने खेतों पर जाऊँ। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इस धन का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, तब तक हम इस धन का प्रयोग नहीं कर सकते। आप दोनों हमें थोड़ा समय दीजिए, हम विचार विमर्श करके अपना निर्णय दे देंगे। परंतु महाराज, तब तक ये धन किसके पास रहेगा, कहाँ रहेगा? आप चिंता मत कीजिए, तब तक ये धन उस स्थान पर रहेगा जहां ये पूर्णतया सुरक्षित रहेगा। आचार्य जी। महाराज, इतने अनमोल धन के लिए केवल एक ही स्थान सुरक्षित है, और वो है चंद्रमुखी गुफा। ठीक है, जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता, तब तक ये धन चंद्रमुखी गुफा में आपके संरक्षण में रहेगा। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मी को अपना प्रयास असफल होता दिखाई दे रहा था, और भाग्य को अपनी जीत। राजन, सोचो धन किसके पास जाएगा। चांद की चंचल किरणें गिरे चंचल जल पर, चंद्रमुखी खोलो द्वार, पथिक खड़े तेरे दर पर। कैसी ये विडंबना है, इतना सारा धन किंतु किसी का नहीं। चलो, ये धन यहाँ सुरक्षित है। देवी लक्ष्मी, देखा भाग्य का बल, ब्राह्मण और किसान दोनों के भाग्य में धन नहीं था, तभी तो इतना धन मिलने के बाद भी वो इसे स्वीकार नहीं कर पाए। किंतु बात यही समाप्त नहीं होती है भाग्यदेव। यदि उन दोनों में से किसी को भी धन नहीं मिलना होता, तो राजा मेरे दिए हुए धन को अपनी राजकोष में रख देते, किंतु ऐसा हुआ नहीं। इसका अर्थ है कि शीघ्र ही कोई निर्णय आएगा, तो आपके अपेक्षा के विरुद्ध मैं किसान या ब्राह्मण में से किसी एक के पास चली जाऊंगी। भाग्यदेव। देवी लक्ष्मी, यदि राजा का निर्णय आने के बाद भी इन दोनों ने आपके धन को स्वीकार नहीं किया, तो तब तो आप भाग्य की श्रेष्ठता को स्वीकार करेंगी ना देवी। भाग्यदेव, अभी आपको धन की लालच की शक्ति का अनुमान नहीं है। जब मन में लालच आता है, तो मनुष्य स्वयं ही लक्ष्मी की ओर दौड़ता है। देखते जाइए भाग्यदेव, आपका भाग्य धन की लालच से कैसे पराजित होता है। राजन, भाग्यदेव ने एक बार तो लक्ष्मी जी को मात दे दी और ये सिद्ध कर दिया कि वो उनसे बड़ा है। लक्ष्मी जी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। भला किसी स्त्री ने कभी अपनी हार किसी पुरुष से मानी है? वो तो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सीधे उस किसान के सम्मुख जा पहुंची। साक्षात माँ लक्ष्मी, और यहाँ मैं धन्य हो गया। माँ, मैं धन्य हो गया। घर आई लक्ष्मी को ठुकराकर तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है उस ब्राह्मण के घर में इतना धन कहाँ से आया? तो माँ, क्या वो आप? मूर्ख,
मैंने तुम्हें धन का भंडार दिया और तुमने उसे ठुकरा दिया। इतना अहंकार, क्या तुम जीवन भर खेतों में हल चलाते रहोगे? जब वृद्ध अवस्था में शरीर काम नहीं करेगा तब? तुमने मेरे धन को नहीं अपितु अपने वैभव, सुख और आनंद को ठुकराया है। यदि तुमने लक्ष्मी की महिमा को स्वीकार नहीं किया तो जीवन भर खेतों में हल चलाते रहोगे, अन्न का एक दाना भी नहीं उगेगा। क्योंकि यदि धन है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं। क्षमा माता, क्षमा। मेरी समझ में ही नहीं आया कि वो धन मेरा है। क्षमा। राजन, इसे कहते हैं धन का लोभ। देवी लक्ष्मी ने लोभ का बीज किसान के मन में डाल दिया था, किंतु किसान के भाग्य में लक्ष्मी थी नहीं। तो अब देखना यह है कि भाग्य के ना होते हुए भी किसान को धन की प्राप्ति होती है। कौन है श्रेष्ठ, देवी लक्ष्मी या भाग्य? राजन, संसार में सर्वश्रेष्ठ होने की इच्छा एक ऐसा अवगुण है जो केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी अधर्म करने के लिए प्रेरित करता है। देवी लक्ष्मी ने भी उस किसान को लालच से भर दिया था केवल अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। मूर्ख, मैंने तुम्हें धन का भंडार दिया और तुमने उसे ठुकरा दिया। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? सामने से आई सुख संपत्ति को मैंने ठुकरा दिया? हे ईश्वर, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। अरे, आप अब तक यही हैं? आज हमारे धन को लेकर महाराज के निर्णय का दिन है, कहीं आप भूल तो नहीं गए? आज हमारे धन को लेकर निर्णय का दिन है। क्या? वो दिन आज ही है? तब तो मुझे महाराज से अभी बात करनी होगी। वो धन मेरा है, मेरे घर से निकला है, मैं उसे ब्राह्मण को क्यों दूं? ये उल्टी गंगा कहां से बह रही है? कल तक तो आप उस धन से पीछा छुड़ा रहे थे। मुझे भी लगता था कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो धन हमारा ही है और आप उस ब्राह्मण को देने चल दिए। अरे भाग्यवान, जीवन में भूल किससे नहीं होती, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं धन का इतना बड़ा भंडार छोड़ दूं। तो आप यहाँ खड़े क्यों हैं? जाइए, महाराज से बात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे पहले वो ब्राह्मण वहां पहुंच जाए। ये संभव ना है। आचार्य जी, आपने मेरा धन कहाँ सुरक्षित रखा है? मुझे मेरा धन अभी वापस चाहिए। किंतु वो धन किसका है, इसका निर्णय तो आज महाराज ही करने वाले हैं ना? आचार्य जी, जब मुझे ये आभास हो गया है कि वो धन मेरा है, तो अब महाराज के निर्णय की क्या आवश्यकता? लाइए, मेरा धन मुझे लौटा दीजिए। है ये आचार्य, पितृ, ये धन तुम्हारा नहीं, हमारे पुरखों का है। और पुरखों का धन उनके वंशजों का होता है। सत्य कहा ब्राह्मण देव आपने, पुरखों के धन पर उसके वंशजों का ही अधिकार होता है। किंतु अपने उस घर के साथ ही आपने अपना वो अधिकार भी मुझे बेच दिया है, इसलिए वो धन अब आपका नहीं बल्कि मेरा है। अरे मित्र, तुम्हें तो धन का लालच हो गया है, इसलिए तुम मेरे पुरखों का धन हड़पना चाहते हो। लालच तो आपके मन में आया है ब्राह्मण देव, तभी तो आप माता सरस्वती को छोड़कर लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, तो ठीक, अब इसका निर्णय बातों से नहीं होगा, बल से होगा। जिसकी लाठी जीतेगी, धन का स्वामी वही होगा। मित्र, ये बात ठीक कही आपने। ठीक है, धन धान्य बल के ना सही, किसी और के सही। आ जाओ मित्र।
ठहरिए। ऐसे लड़के किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप दोनों को महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आचार्य जी, अब ये लाठी ही हमारा पंच है। अच्छा आचार्य जी, आप हमारे बीच से हट जाइए। अब इसका निर्णय ये लाठी ही करेगी। देख रहे हैं भाग्यदेव, इसे कहते हैं लक्ष्मी का मुंह। इससे पूर्व मैं इन दोनों के भाग्य में नहीं थी, किंतु आज ये दोनों मुझे अपनी अधिकार में लेने के लिए लड़ रहे हैं। देवी लक्ष्मी, जिसे आप मोह कह रही हैं, वो मोह नहीं, लालच है। और लालच मनुष्य का सब कुछ समाप्त कर देती है। आपका तात्पर्य क्या है भाग्यदेव? देवी लक्ष्मी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लालच में किसान और ब्राह्मण एक दूसरे का इतना अहित कर बैठे कि अधिकार लेने के लिए कोई बचे ही ना। ठहर जाओ सब लोग। ये क्या हो गया आप लोगों को?